ये जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनके आने से हमें काफ़ी मदद मिली है, क्योंकि जिनको हम रेस्क्यू करके लेके आ रहे हैं उनको रहना खाना इन संस्थाओं ने ही प्रोवाइड किया है, और इन संस्थाओं ने गर्म खाना बंदों के लिए जो कि गाँव से आना नहीं चाहते, जो कि कम डेप्थ में है, अब उनके लिए भी ये संस्थाएँ जो है खाना प्रोवाइड कर रही हैं। फिलहाल जिहड़ा नुकसान दिस रहा वह फसलों का नुकसान है, बाकी जिवें जिवें हुण पानी नीचे पद्धर नीचा हो रहा है तो पता लग रहा है भी कुछ घरां दा भी नुकसान होया जी, जिवें खेतां च ढाणियां जिहड़े घर ने, हाँ जी सानू हुणे हुणे पता लग्गा सरपंच साहब तो भी कुछ पशु भी नुकसाने। अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सबसक्राइब करो अजीत वैब टीवी, ताज़ी खबरों की नोटिफिकेशन पहुँच के लिए बेल आइकन पर क्लिक करो। खाने पीने का सामान मेडिकल की सहूलत लोगों को दिया है कुछ? मैं आपको बताना चाहूँगा, सिगवन सुकराना विलेज में हम लोग हर एक गांव में गए हैं, हमने अपना पूरा ऑपरेशन यहाँ तकरीबन इस पॉइंट से तकरीबन 7-8 किलोमीटर डेप्थ में गए हैं, जितने गांव थे जितने लोग थे हर एक घर डेरे में जाके कवर किया है, लोगों को हमने बुलाया है, विनती की है उनको आने के लिए, कई लोग हमारे साथ आए हैं जिनको हमने रेस्क्यू किया है, कुछ लोगों के पास राशन था उनके पास पानी नहीं था, हमने उनको पानी प्रोवाइड कराया है और अपने नंबर हम उनको देके आ रखे हैं ताकि कोई भी डिस्ट्रेस कॉल हो तो वो हमें कर सकते हैं। तो फौज की तरफ से और प्रशासन की तरफ से काफ़ी हेल्प की गई है, प्रशासन ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है इस ऑपरेशन करने में, यहाँ के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, वॉलंटियर्स काफ़ी आए हैं हमारे साथ, लोकल गाइड काफ़ी आए हैं जिन्होंने हमें गाइड किया कि कहीं पे अगर मान लो कुछ एमरजेंसी है तो वहाँ से लोगों को कैसे बचाया जाए, उन तक हमें लेके गए हैं। और बात की जाए तो समाज सेवी संस्थाएं बहुत यहाँ पे बताया जा रहा है कि आ गई हैं, तो उनकी ओर से आपको उनके आने से आपको कितनी मदद मिली है? ये जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनके आने से हमें काफ़ी मदद मिली है, क्योंकि जिनको हम रेस्क्यू करके लेके आ रहे हैं उनको रहना खाना इन संस्थाओं ने ही प्रोवाइड किया है, और इन संस्थाओं ने गर्म खाना बंदों के लिए जो कि गाँव से आना नहीं चाहते हैं, जो कि कम डेप्थ में है, अब उनके लिए भी ये संस्थाएं जो है खाना प्रोवाइड कर रही हैं। आपकी सेना यहाँ पे अब कितने दिन और रहेगी, और रेस्क्यू काम ये जो रेस्क्यू कार्य चल रहे हैं वो दिन रात लगातार चल रहा है या दिन का ओनली दिन ले? ये रेस्क्यू ऑपरेशन इनिशियली पूरे दिन रात चल रहा था, बट अभी पिछले कल से थोड़े हालात बेहतर हुए हैं, तो अभी ये ऑपरेशन जो है ये जो इसके जो हुक्म है जैसे हमें ऊपर से मिलेंगे हम उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर खत्म किए जाएंगे। तो ये सेना की ओर से जो कार्य चल रहा है, यहाँ के रेस्क्यू काम चल रहे हैं, अब कितने दिन आगे और भी चलेगा इसका मैं आपको मेरा इसका जो आंसर है वो हमारे हाईलाइट हेडक्वार्टर दे पाएंगे, बट मेरी तरफ से इसका मैं आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा अब इस लेवल पे। अब यहाँ पे हालात जो हैं बाढ़ के सुधरने शुरू हो गए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पर जो इलाके अभी देख सकते हैं यहाँ पे पानी काफी उतर गया है, लेकिन घग्गर के पास अभी भी थोड़ा बहुत जो पानी है, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा हालात काफी बेहतर हुए हैं पिछले 3-4 दिन में। ये सन साढ़े नाल कर्नल रावत सिंह जी जो कि हड़ की स्थिति बारे दस रहे थे, तो जिन्ना भी इन्होंने रेस्क्यू किए लोगों कढ़िया बाहर उन्होंने बारे भी जानकारी दी गई इन्हों वालों, हुण देखना होएगा कि हालात हौली हौली पानी का घटना जो है शुरू हो चुका है तो आने वाले दिनों दे विच हालात किन्ने कदों तक नॉर्मल होंगे ये आने वाला समा ही दसेगा। छितराणा तो बलदेव सिंह महरो। राशन पानी बहुत सेवा ने जिहड़ियां कि अपने पहले दिन तो चलता है जो कि लंगर की प्रथा तो अपने आम इस वालों तो साढ़े पंजाबियों की एक शान रही है भी वह किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे है, असं सारे एरिए का बहुत धन्यवाद करते हैं, असं बहुत धन्यवाद हैं साढ़े फौजी वीर जिन्होंने कि साडा एक दुख की घड़ी के आके साडा साथ दित्ता जी। लगभग 90% छितराणा पिंड जिहड़ा प्रभावित होया, छितराणे दीआं 8 पंचायतां ने, 8 दे विचों सिर्फ नहर तो जिहड़ा पातड़ा वाली साइड है थोड़ा जिहा एरिया बचा, बाकी 90-95% साडा एरिया खत्म हो चुका जी। फिलहाल जिहड़ा नुकसान दिस रहा वह फसलों का नुकसान है, बाकी जिवें जिवें हुण पानी नीचे पद्धर नीचा हो रहा है तो पता लग रहा है भी कुछ घरां दा भी नुकसान होया जी, जिवें खेतां च ढाणियां जिहड़े घर ने, हाँ जी सानू हुणे हुणे पता लग्गा सरपंच साहब तो भी कुछ पशु भी नुकसाने, आर्मी तो जिहड़ी NFL टीमां आईयां ने।